नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। हम इस वक्त खड़े हैं जिला पंचायत सभा कक्ष के बाहर, जहाँ की प्रभारी मंत्री जिला योजना समिति की बैठक ले रही हैं। जिला पंचायत सभा कक्ष में उन्होंने मीडिया को जिला पंचायत सभा कक्ष से जिला योजना समिति की बैठक से बाहर कर दिया है। लगता है उन्हें मीडिया से परहेज है। मीडिया भी तुरंत ही बाहर आ गया, मीडिया ने बहिष्कार किया। क्या कहता है मीडिया, क्या कह रहे हैं पत्रकार, इस पर देखें खबर SKP लाइव न्यूज़ पर। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने मंत्री के रूप में कुछ शपथ भी ली है। कमलनाथ जी ने तो पारदर्शिता की बात करी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पारदर्शिता बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे सम्मानित पत्रकार महोदय ने कहा, जरूरी कि पहले जो चीज हुई है जो आज भी नहीं, तो आप मंत्री सरकारें बदलती है और नियम भी बदलते रहते हैं। तो आप मंत्री, पहले कुछ हुआ आज कुछ हुआ, हमको बिठाया ही परिवर्तन के लिए लोगों ने, आपको सहयोग के लिए सम्मानजनक रूप से आप पत्रकार महोदयों से निवेदन है कि मीटिंग के बाद हम बिहारों को आप है ना, तो मंत्री है और जिले की प्रभारी मंत्री है श्रीमती सुश्री विजयलक्ष्मी साधो, उनकी बैठक थी जिला योजना समिति की। अभी तक ये होता आया है कि जिला योजना समिति की बैठक में मीडिया को अलाउ किया जाता रहा है और पारदर्शिता रहे जनता के सामने और क्या योजना है जिले के विकास के लिए, उसको जो योजनाएं बनती है उनको मीडिया के माध्यम से आम जनता तक लाया जाता है। किंतु आज एक बड़ा विचित्र वाक्य हुआ, जैसे ही प्रभारी मंत्री आई जिला योजना समिति की बैठक में, उन्होंने ये कहा कि मीडिया वाले यहाँ से चले जाए। जब उनसे कहा गया कि आखिर क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि सरकार बदल गई है, नियम बदल गए हैं और परिवर्तन लाना है, इसलिए हम परिवर्तन ला रहे हैं। फिर बाद में उनके इस व्यवहार के कारण मीडिया में आक्रोश फैला और सभी जितने भी मीडियाकर्मी थे जिला योजना समिति की बैठक में थे, उन्होंने सबने विरोध जताते हुए बाहर चले गए, बहिष्कार कर दिया उनकी बैठक का। बाद में उन्होंने, प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब बात रखेंगे, मीडिया वालों ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। दुराय जी, क्या लगता है कि बीजेपी के जो इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि चूँकि 10-15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई है, तो हो सकता है कि उनका कुछ पर्सनल इशू हो अपने अपने विधायक मंत्रियों से। बाकी तो क्या हो सकता है तो हम नहीं जानते। बात कर रहे हैं पारदर्शिता की, किंतु वहाँ पारदर्शिता जैसी चीज़ कुछ होती दिखाई नहीं दे रही है। दुरा जी, जिला योजना समिति की बैठक है, इसमें बीजेपी के भी नेता लोग, विधायक लोग शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि साथ बर्ताव किया गया वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी कड़ी निंदा की जाती है पूरी पत्रकार परिषद द्वारा। और प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने जिस तरह का बर्ताव किया, ये एक तरह से उनका जो है वो तानाशाही रवैया था। वो मीडिया पर प्रतिबंध लगाना चाहती हैं। उन्होंने भरी मीटिंग में ये कह दिया कि परिवर्तन अब जनता ने लाया है और परिवर्तन के लिए ही हम लोगों को बिठाया है। तो क्या ये इस तरह के परिवर्तन के लिए बिठाया कि जो पारदर्शिता उसको ख़त्म करके और आप अपने भीतर अंदर ही अंदर जो है वो घोल करते रहें। इसके अलावा जिस परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन नवंबर में हुआ है, मई में जनता एक और परिवर्तन कर चुकी है, तो क्या इस बात का अंदाज़ा उन्हें नहीं है? प्रभारी मंत्री ने जिस तरह का रवैया अपनाया है, ना सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि शासन के लिए भी, ये एक चिंता का विषय है कि मीडिया के साथ इस तरह का बर्ताव प्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए प्रभारी मंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए। और ना सिर्फ प्रभारी मंत्री, जिले के दो मंत्री भी बैठक में मौजूद थे, वो भी कुछ नहीं बोले, जबकि इससे पहले वो हर मीटिंग में रहे जिला योजना समिति की और उसमें भी मीडिया मौजूद रही, तो उन्होंने इस बात का भी हवाला नहीं दिया। सरकार के दो कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उन्होंने बिल्कुल, वो इससे पहले भी विधायक थे और हर जिला योजना समिति की भाजपा शासन की मीटिंग में भी वो रहे, तो उनको जब पता है कि परंपरा किस तरह की चली आ रही है, तो वो जिले में किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? आखिर मीडिया से क्या खतरा है? मीडिया से खतरा ये है कि बाहर बिजली संकट जम के चल रहा है, किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, अधिकारी और इनके बीच में जो हट्टा होना थी वो कहीं बाहर नहीं जाए, सरकार की पोल बाहर नहीं जाए, यही समझा जा सकता है अब इसको। क्योंकि यूँ तो कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अपनी बातें लोगों तक पहुंचाती है, शायद ये बात वो जनता तक नहीं पहुंचाना चाहती, यही वजह। और जिला समिति की बैठक में तो जिले की योजनाओं पर बातचीत होती, विचार होता है, बिल्कुल होता है, और यही चीज़ें अगले दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनल में आती है कि क्या रूपरेखा बनी, किस तरह की कार्रवाई हुई, पर उन सबको जो है वो आज नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसको गोपनीय रखा जा रहा है, तो ये समझ से परे है कि ये गोपनीयता क्यों बढ़ती जा रही है। मीडिया ने क्या किया?
मीडिया बहिष्कार करा इस मीटिंग का, और आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मीडिया ने वहीं खुली मीटिंग भरी मीटिंग में खुले रूप से घोषणा की कि आपकी प्रेस वार्ता का भी बहिष्कार करेंगे, हमें आपसे कोई बात नहीं करना।